हेलो गाइज, वेलकम टू टॉक एंड टिप्स। माय नेम इज अमरिंदर कुमार। सो गाइज, इस वीडियो में आप जानेंगे कैश डेटा क्या है, कैश डेटा का हमारे फोन में क्या वर्क है, और कैश डेटा को अपने फोन से क्लियर कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं तो हमारे फोन से क्या कुछ डिलीट हो जाएगा, सारा चीज़ आप इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे। तो इसके लिए आप इस वीडियो में बने रहिए। वैसे कैश डेटा पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, उस वीडियो का लिंक आपको यहाँ आई बटन में मिल जाएगा, यहाँ पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। और इस वीडियो पर बहुत सारे कमेंट्स आए हैं और कमेंट्स के माध्यम से कैश डेटा के बारे में हमसे बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं, तो मैंने उस वीडियो से कुछ कॉमन क्वेश्चन लिया है जिसका रिप्लाई इस वीडियो में देने वाला हूं। तो आपको जानना है कैश डेटा क्या है और इसको क्लियर कर देने से हमारे फोन में क्या कुछ समस्या हो सकती है, तो इसके लिए आप इस वीडियो में बने रहिए। तो वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और आप इस चैनल पर पहली बार है चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप समझते हैं कैश डेटा क्या है। तो कैश डेटा एक तरह का टेम्पररी फाइल है जो हमारे फोन में ऑटोमेटिक बनता रहता है। इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से क्लियर करते हैं, समझते हैं। जब भी अपने फ़ोन में किसी नए ऐप को इंस्टॉल करते हैं, देखिएगा वो ऐप पहली बार ओपन होने में थोड़ा सा समय लेता है। समय इसलिए लेता है कि वो ऐप हमारे फ़ोन में कैश डेटा स्टोर कर रहा होता है। अब कैश डेटा में वो ऐप रखता क्या है, तो हर एक ऐप का अपना एक लोगो होता है, यानी निशान होता है जिसके जरिए हम ऐप को पहचान पाते हैं। वो लोगो पहले कैश डेटा में सेव करेगा। इसके अलावा जो भी ऐप में हम वर्क करेंगे वो कैश डेटा में सेव होते रहता है। हमारे फ़ोन में जितने भी ऐप होंगे सारे ऐप कैश डेटा बनाते ही हैं। कैश डेटा किसी भी ऐप का वर्क करने का एक पथ होता है, एक रास्ता होता है, उसके ज़रिए ही कोई भी ऐप वर्क करता है। जैसे हमारे फ़ोन में रैम है, उस तरह ऐप को वर्क करने के लिए कैश डेटा होता है। यानी कि जितना भी ऐप में वर्क करते जाएंगे कैश डेटा उतना ही बनता जाएगा। आप अपने फोन में किसी ऐप का कैश डेटा चेक करिए, जिस भी ऐप को आप अधिक यूज करेंगे उसका कैश डेटा उतना ही अधिक बनता जाएगा। आप अपने फोन में चेक करेंगे तो गैलरी का सबसे अधिक कैश डेटा होगा, उसके बाद हो सकता है कि फेसबुक का हो। तो गैलरी का कैश डेटा इसलिए अधिक होता है क्योंकि हमारे फ़ोन में जो भी फोटोज और वीडियोज हैं, जब हम गैलरी को ओपन करते हैं तो वीडियोज के थंबनेल हमें दिखते हैं। हमें ये बताइए कि जब आप गैलरी को ओपन करते हैं तो क्या वीडियो हमारे सामने ऑटोमेटिक प्ले हो जाता है? नहीं, पहले वीडियो में से कोई भी एक पार्ट, उस वीडियो का कोई भी एक पार्ट हमें छोटा सा दिखता है, यानी उस वीडियो का थंबनेल दिखता है। तो भैया ये थंबनेल रहता कहाँ है? ये थंबनेल कैश डेटा में ही रहता है। इसके अलावा हर एक फ़ोटो का अपना थंबनेल होता है और वो कैश डेटा में सेव रहता है। अगर आप गैलरी का कैश डेटा क्लियर कर देंगे, डिलीट कर देंगे, उसके बाद जब आप गैलरी को ओपन करिएगा, देखिए गैलरी पहली बार ओपन होने में समय लेगा क्योंकि जो भी उसका कैश डेटा था, जो भी वो डेटा इकट्ठा किया हुआ था, आप सारा क्लियर कर दिए हैं, तो गैलरी फिर से कैश डेटा बनाएगा, उसके बाद इजी ओपन होगा। तो क्या जब आप समझ गए कैश डेटा क्या है और कैश डेटा का हमारे फ़ोन में क्या वर्क है, अब आपको ले चलते हैं कमेंट्स की ओर। मैंने जो पिछला कैश डेटा का वीडियो बनाया था उसमें बहुत सारे कमेंट्स आए हैं और कमेंट्स के माध्यम से हमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं कि कैश डेटा को डिलीट कर देंगे तो हमारे फ़ोन से क्या कुछ डिलीट हो जाएगा, गैलरी का कैश डेटा, यूट्यूब, फेसबुक, मतलब अलग अलग बहुत सारे हमसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो मैंने यहाँ पर कुछ कॉमन क्वेश्चन को सेलेक्ट किया है और फिर इस वीडियो में मैं आपको रिप्लाई देने वाला हूँ। तो देखिए, जो पहला कॉमन क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किया है, लोग बहुत सारे लोगों ने हमसे पूछा है कि गैलरी का कैश डेटा क्लियर कर देंगे तो हमारे फ़ोन से क्या डिलीट हो जाएगा। तो मैं इस वीडियो में पहले ही बता चुका हूँ कि गैलरी का कैश डेटा डिलीट कर देंगे तो आपके फ़ोन से कोई भी फोटो डिलीट नहीं होगा, बशर्ते आप जब गैलरी को ओपन करिए कैश डेटा क्लियर करने के बाद, तो गैलरी स्लो काम करेगी, उस समय गैलरी आपकी तेज़ी से ओपन नहीं होगी क्योंकि गैलरी में जितने वीडियोज़ और फोटो होते हैं उसका थंबनेल कैश डेटा में सेव रहता है। आप थंबनेल डिलीट कर देंगे तो गैलरी ओपन होने में पहले थंबनेल बनाएगी, उसके बाद ओपन होगी। अब चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन की ओर। सेकेंड क्वेश्चन है ना कि YouTube का कैश डेटा क्लियर कर देंगे तो हमारे फ़ोन से क्या डिलीट होगा। तो देखिए, अगर आप YouTube का कैश डेटा क्लियर करते हैं तो YouTube से कुछ भी डिलीट नहीं होगा। अगर आप कोई प्लेलिस्ट बना के रखे हैं ऑफलाइन में, वीडियो डाउनलोड करके रखे हैं देखने के लिए, तो वो भी डिलीट नहीं होगा। वो डिलीट होता है जब आप एंड्रॉयड फोल्डर में जाकर YouTube का फाइल डिलीट करते हैं, तब जाकर YouTube का डेटा ख़त्म होता है। अगर आप YouTube का कैश डेटा क्लियर कर देते हैं तो YouTube से कुछ भी डिलीट नहीं होगा। थर्ड क्वेश्चन मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया है कि प्ले स्टोर का कैश डेटा डिलीट कर देते हैं तो हमारे फ़ोन से क्या कुछ डिलीट होगा। तो कुछ भी डिलीट नहीं होगा, आप प्ले स्टोर का कैश डेटा इजिली क्लियर कर सकते हैं, कुछ भी इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। मतलब आप सोच रहे हो कि अगर जिस जीमेल से हम लॉगिन हुए हैं वो हट जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है, आप प्ले स्टोर का कैश डेटा कभी भी क्लियर कर सकते हैं। सो गाइस, जो मैंने चौथा कमेंट सेलेक्ट किया है, ये भी क्वेश्चन बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि हमारे फ़ोन में कोई गेमिंग ऐप है, अगर उसका कैश डेटा क्लियर कर देते हैं तो कहीं वो ऐप तो डिलीट नहीं हो जाएगा। तो नहीं, वो ऐप कभी डिलीट नहीं हुआ क्योंकि ऐप परमानेंट हमारे फ़ोन में सेव है और कैश डेटा एक टेम्प्रेरी फाइल है। अगर कैश डेटा क्लियर करते हैं तो टेम्प्रेरी चीज़ें हमारे फ़ोन से डिलीट होगी। और ये भी क्वेश्चन कुछ लोगों ने पूछा है कि कोई गेमिंग ऐप का कैश डेटा क्लियर कर देते हैं तो वो ऐप स्लो क्यों ओपन होता है। तो भाई, उस ऐप का जो भी डेटा सेव है उसको आप क्लियर कर देते हो, ऐप सोचने लगता है यार मेरा फाइल कहाँ गया,
जो भी फाइल गेम ने सेव करके रखा था, फिर वो उस फाइल्स को गेम क्रिएट करता है कैश डेटा में, फिर जाके ओपन होता है। तो किसी भी ऐप का कैश डेटा क्लियर करिएगा तो वो ऐप पहली बार ओपन होने में समय लेगा। सो गाइस, फिफ्थ क्वेश्चन जो मैंने सेलेक्ट किया है, ये भी बहुत सारे लोगों ने कमेंट के माध्यम से हमसे पूछा है कि फ़ोन से कैश डेटा को क्लियर करना चाहिए या नहीं। तो दोस्तों, मेरा ओपिनियन है, अगर आपके फ़ोन में इनफ स्पेस है, स्पेस पर्याप्त है, तो आप अपने फ़ोन से कैश डेटा को क्लियर मत करिए, क्योंकि कैश डेटा क्लियर करेंगे फिर ऐप को ओपन करेंगे तो ऐप फिर उतना ही कैश डेटा बना लेगा। अगर आपके फ़ोन में स्टोरेज प्रॉब्लम है, आपका फ़ोन स्टोरेज फुल हो चुका है, तो आप समय समय पर कैश डेटा को क्लियर कर सकते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ गए कैश डेटा क्या है, और कैश डेटा संबंधित जो भी क्वेश्चन आपके मन में होंगे, जो भी डाउट होंगे, सारा चीज़ क्लियर हो गए होंगे। फिर भी आपको कैश डेटा संबंधित कुछ भी जानना हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक अपना ख्याल रखिए। गुड बाय।